विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को जिनने हमको ये गौरव प्रदान कराया कि कटनी जिले की टीम ने सबसे तीव्र गति से काम करते हुए और डिजिटल ग्राम का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री ने देखा उस पर कार्य प्रारंभ किया, उसको सबसे पहले मध्य प्रदेश में साकार करने का काम कटनी जिले के मेरी विद्रावण विधानसभा के ग्राम गंजारी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबसे पहला डिजिटल ग्राम बना। इसके लिए मैं पूरी सीएससी की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं अभी परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का बहरीन में विदेश की धरती पर संबोधन सुन रहा था और बहरीन में वो बोल रहे थे वहां से कि भारत को हम डिजिटल इंडिया में बदलने जा रहे हैं और वो अपने भाषा में वहां पे संबोधन में बोल रहे थे कि हम डिजिटल तरीके से अब आप लोग के सारे कष्टों को दूर करने जा रहे हैं। तो बहरीन के लोगों के जो परिवार यहाँ रहते हैं, परिजन यहाँ रहते हैं, उनको भी वहां से डिजिटली ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, जो पैसा भेजते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को भेजते हैं, उसको भेजने में बड़ी परेशानी होती थी। तो वो बहरीन में बोले थे हम भारत को पूर्ण रूप से डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और वो भाषा में सुना और उसी के आसपास इनका फोन आया त्रिपाठी जी का कि हमने सबसे पहले लक्ष्य प्राप्त किया है और बंजारी जी को हम संपूर्ण डिजिटल ग्राम बना चुके हैं, इसका लोकार्पण बस होना है, आपके समय की आवश्यकता है। तो मैंने कहा जब आपने इतनी तीव्र गति से काम किया तो हमने तत्काल, मैंने कहा आप बताओ कब कर सकते हैं, बोले आप बता दीजिए, मैंने कहा परसों कर लीजिए, ऐसे ही हुआ था। लेकिन आज से दो दिन पहले ये होना था शुभारंभ, लेकिन दुखद घटना हो गई और आदरणीय अरुण जेटली जी जिस दिन दोपहर के 2 बजे यहाँ पर इस सीएससी का उद्घाटन होना था उसी दिन उनका 12 बजे दुखद निधन हो गया। तो फिर मुझे उस दिन के सारे कार्यक्रम अपने स्थगित करने पड़े जिसके फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल विलेज। हम और आप जो यहाँ खड़े हैं या जो हमारी उम्र का व्यक्ति यहाँ खड़ा है या हमसे थोड़ी बड़ा भी जो है, उसने भारत को संपूर्ण रूप से बदलते हुए देखा है। हम तो गिल्ली डंडा खेल के बड़े बड़े हैं, ये बेशरम लगी है, बेशरम की डंडी से हॉकी बना के खेला करते थे, बॉल नहीं मिलती थी तो कपड़ा लत्ता खट्टा करते थे, उसी को गोला गोला बनाते थे, सुतरी से लपेट लपेट के उसको बॉल बना लेते थे, ईटा की गाड़ी बनाया करते थे, मिट्टी की गाड़ी बनाया करते थे, टीप रेस, छुआछूत, कंचा, ये सब खेल के बड़े हुए। मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे तो रामलीला अगर होती थी मोहल्ले में तो आधा घंटा पहले में पूरा फट्टा बिछा के सबसे आगे बैठ जाते थे। हमने वो युग देखा है और हमने आज का युग देख रहा हूं। कभी उस युग के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत में एक दिन ऐसा कोई नेतृत्व आएगा जो घर घर को डिजिटलाइज कर दे। लोग नोटों की गड्डियां रखते थे, अब सिर्फ एक पतला सा कार्ड रखते हैं प्लास्टिक का। सारे काम आपके खसरा हो, नक्शा हो, किसी की भी नकल निकालना हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही बैठे बैठे बटन दबाइए, यहीं से निकाल सकते। और सिंबोसिस जैसी यूनिवर्सिटी, सिंबोसिस कॉलेज जिसका नाम ना केवल हिंदुस्तान में है बल्कि विदेशों में भी सिंबोसिस कॉलेज के लोगों की अलग पहचान है, वहां से पढ़ के निकले व्यक्ति को तत्काल नौकरियां मिल गई एक से एक जगह। मतलब बाल मंदिर से लेके कक्षा पहली से लेके सिंबोसिस तक की जो पढ़ाई का सिलेबस है वो अब आपको बंजारी के गांव में मिलेगा, सीएससी सेंटर में मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ दिक्कत क्या होती थी, उनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं होता था, बड़े कॉलेज में पढ़ने का पैसा नहीं होता, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का पैसा नहीं होता, बाहर जाके रुकने रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती। अब हमारे गांव की बेटियां, हमारे गांव का बेटा, हमारे गांव का होनहार छात्र गांव के अंदर रहकर और सिंबोसिस के सिलेबस से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है यहाँ बैठकर, वो भी बीएससी और यूपीएससी में जाने के लिए उसको जो तैयारी हुई व्यवस्था चाहिए, जो लाइन चाहिए, वो सारा का सारा वो इसी घर में इसी गाँव बैठ के। अब चाहे दवाओं की व्यवस्था की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, सारी मूलभूत सुविधाएं जितनी शासन से होती हैं
अब आपको एक बटन पे आपके गांव पे उपलब्ध है। ये अपने आप में अचंभित करने वाला है, क्योंकि हमने अपने घर में देखा था, जो हम जैसा बताया आपने कि ना टीवी होता था ना मोबाइल होता था, कि कितना बड़ा रेडियो होता था जितना बड़ा डब्बा रखा है इसका इतना फल, और उसमें भी बाहर जाली लगाना पड़ती थी ताकि रेडियो में गाना ठीक से सुनाई दे, न्यूज ठीक से सुनाई दे। वो रेडियो को छोटा होते देखा, टेप रिकॉर्डर को आते देखा, रिकॉर्ड प्लेयर को बजते देखा, वॉकमैन छोटा आते देखा, उसके बाद शटर वाला टीवी आया, और फिर वो टीवी को कलर टीवी होते देखा, कलर टीवी को मोटे टीवी को पतला होते देखा, पतला दुबला होते होते वो पेपरस हो गया, मोबाइल आते देखा, 1 किलो के बांट बराबर मोबाइल आते थे, अब छोटे 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 हो गए, इतने पतले आ गए, पहले एक मोबाइल में 200-300 फोटो आती थी, अब 3 लाख फोटो रख लो आप। तो युग को भारत को बदलते देखा है, और आज मैं कह रहा हूं जिस तरीके से माननीय मोदी जी देश को ले जा रहे हैं आगे, जो आपने कल्पना नहीं की होगी, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो उनके मस्तिष्क में पता नहीं कितने वर्षों फूट से आ चुका है। आने वाले 2-4-5-10 सालों के अंदर, आज का शायद ये मेरा भाषण रिकॉर्ड रहेगा, भारत विश्व का सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। जहां एक तरफ वो पूरे विश्व में घूम घूम के भारत की साख को मजबूत कर रहे हैं, भारत के व्यापारिक व्यापार को मजबूत कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश भारत के अंदर लेके आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी अगर अमेरिका जापान और यूरोप से ब्रिटेन से आगे निकलने का सपना लेकर आप वहां विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे गांव की बिटिया की लोग लाज सम्मान की सुरक्षा का भी वो ध्यान रखते हैं, इसलिए उनमें शौचालय का निर्माण करा। अगर वो मंगल ग्रह में अगर अपना यान भेजते हैं, चंद्रयान 2 चंद्रमा में भेजते हैं, तो आपके घर की भी रसोई का ख्याल रखना है कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। अंतरिक्ष में भारत मजबूत बने, लेकिन बंजारी गांव के साउथ मोहल्ले के अंदर रहने वाली एक बहुत निर्धन गरीब परिवार की अगर महिला है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे इसकी भी चिंता करते हैं, तो उसको भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन भेजते हैं। ये जादुई करिश्माई नेतृत्व है, और मैं कहता हूं इस बात कि कोई ईश्वर के भेजे हुए दूत है ये, जिनका जन्म भारत के गरीबों के लिए, जिनका जन्म भारत के पूरे देश को विश्व में श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है, और ईश्वर इनको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, इनकी आवश्यकता भारत। आज ये डिजिटल ग्राम के शुभारंभ का अवसर है, मोदी जी के विषय में बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि एक नेता ही होता है जिसकी नेतृत्व क्षमता उसी से आंकी जाती है कि उसकी दूरदर्शिता क्या है, कितना आगे तक का सोच रहा है। आज डब्ल्यू पी एम बना दू, कीचड़ कांदा बहुत हो रहा है, भैया एक काम करूं, एक ट्रॉली बहुत गिरवा दू या गिट्टी पड़वा दू, मोटरसाइकिल निकलने लग जाए, आदमी पैदल चलने लग जाए, बहुत कांदा मचक है। ठीक है, आज तो हम एक ट्रॉली गिट्टी गिरवा देंगे, मुर्ग गिरवा देंगे, लेकिन क्या उससे आपके अगली बरसात भी निकल जाएगी? क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि दोनों तरफ नाली का बढ़िया स्वच्छ नाली का निर्माण हो जाए, बीच में सीसी की टॉप क्लास रोड हो जाए, बढ़िया 8 इंच की या 12 इंच की रोड ऐसी बन जाए कि 10-20 साल के लिए आपको बार बार उसमें खर्चा करना छोड़ना पड़े, टेंशन ना हो बार बार। ये नेता की सोच हो सकती है, एक नेता एक ट्रॉली गिट्टी मुर्म का जुगाड़ करेगा और बोलेगा मैं तो झंझट से मुक्ति पा लिया, गड्ढा भरवा दिया, कीचड़ कम हो गया, अब लोग निकलने लगे। वही दूसरा नेता अगर होगा तो ये सोचेगा कि यार ये हर साल की बलाएं हैं, यहाँ पे कीचड़ होता है, कांदा होता है, गंदगी होती है, लोग निकल नहीं पाते, वो तो ठीक है, लेकिन पानी का रुकाव जो होता है उस रुकाव ठहराव के कारण विभिन्न प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं, उन कीटाणुओं से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो केवल कीचड़ एक मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल निकलने वालों की समस्या नहीं, कीचड़ से स्वास्थ्य की भी समस्या खड़ी होती है।